नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। सतगावा थाना क्षेत्र में दुष्कर्म, अपहरण और जाति शब्द का प्रयोग करने का मामला प्रकाश में आया है। सतगावा प्रखंड के ग्राम खुट्टा निवासी आशीष चौधरी थाना सतगावा जिला कोदरमा का स्थानीय निवासी है। उनके घर में 17 जून 2023 रात्रि 10 से 11 के बीच उनके घर में संदीप यादव मोबाइल नंबर 9748546709 व दिलीप यादव मोबाइल नंबर 7900017244 दोनों पिता अरुण प्रसाद यादव ग्राम नावाड़ी पोस्ट खुट्टा थाना सतगावा जिला कोदरमा बंदूक के साथ प्रवेश कर गया। मैं छत पर सो रहा था, मेरी पत्नी घर के हॉल में सो रही थी। मेरी पत्नी का नाम पूजा देवी है। वह अचानक चिल्लाने लगी, आवाज आए तो मैं छत से नीचे आया तो देखा कि मेरी पत्नी पूजा देवी के साथ बंदूक के दम पर दुष्कर्म किया जा रहा था। जब मैं इसका विरोध किया तो हमारे माथा पर बंदूक तान के हंसको रूम में बंद कर दिया। और पत्नी पूजा देवी मेरा बेटा हर्ष कुमार 2 वर्ष भी बंदूक के दम पर अपहरण कर ले गया और जाते जाते धमकी देते हुए और जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए बोला कि तुम हरिजन पासी नीच जाति के, तुमको औकात क्या है, तुम्हारा पत्नी के साथ हम दुष्कर्म करेंगे, मेरा पैरवी बहुत दूर दूर तक है, कानून और थाना पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और तुम अगर किसी को कुछ बताया तो तुम्हारा पूरा परिवार को जान मार देंगे। मैं बहुत डर और सहम गया था। अपनी पत्नी और बेटा का बहुत खोजबीन किया परंतु कहीं नहीं पता चला। वहीं 21 जून 2023 को थाना के चौकीदार के साथ मेरी पत्नी थाना आई। उसके बाद एक दिन घर पर रुकी, फिर 2 दिन के बाद घर से दिलीप कुमार यादव के साथ भाग गई। उसके बाद मेरे सास ससुर मेरे साथ गाली गलौज करने लगा और बोला कि मेरी बेटी को खोज कर लाओ, नहीं तो तुमको भी हाथ पैर तोड़ कर बैठा देंगे। तब हम सतगावा थाना गए और आवेदन देने लगे तो थाना प्रभारी आवेदन लेने से इनकार कर गए। बताएं कि तुम लोगों का पारिवारिक मैटर है, आता श्रीमान से प्रार्थना है कि उपरोक्त आवेदन के आलोक में जांच पड़ताल कर कानूनी कार्रवाई कर मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें। परेशानी ये है कि मेरी वाइफ भाग गई है 23 तारीख से। 23 तारीख के को भाग गई, छोड़ के, बच्चा छोड़ करके भाग गया। किसके साथ भाग गया? दिलीप कुमार यादव और संदीप कुमार यादव, दो लड़के हैं, दोनों भाग गए। उसका बाप का क्या नाम है? अरुण प्रसाद यादव। कहाँ का रहने वाला है? नावाड़ी। हेलो, तो उसका आपकी पत्नी के साथ उन लोग से कैसे बातचीत हुआ है? उसकी सिस्टर सहयोग करता था। उसके क्या हुआ? सिस्टर का क्या नाम है जानते हैं? सिस्टर का नाम नहीं जानते। अच्छा अच्छा, तो उसका घर कहाँ है? उसका घर खुट्टा है, उसका चूहन चूहन यादव का परिवार है। अच्छा, उसका हस्बैंड का नाम है चूहन यादव, लड़के का बहन हुई है। अच्छा अच्छा, तो इस दरमियान आप कहीं जाकर के आवेदन वगैरह दिए हैं? आवेदन दिए तो 17 तारीख को भागा तो 21 तारीख को रिटर्न आ गया। 21 को मतलब 17 को भागा था, 21 को आ गया। हाँ, तो आवेदन दिए थे 21 तारीख को, थाना में आया। अच्छा, और थाना के आने के बाद फिर 2 दिन रुका घर पे बृहस्पति को और शुक्रवार को फिर भाग गया, यानी एक दिन रुक के अगले दिन भाग गया। अच्छा अच्छा, मतलब आवेदन देने के बाद जो थाना में एक दिन आया, उसके बाद आपके घर गया, घर जाने के बाद एक दिन रहा, उसके बाद फिर भाग गया। फिर भाग गया तो उसके बाद फिर गए थे आप कहीं? थाना में गए तो बोलता फैमिली मैटर है, तुम समझो हम तो सही सलामत आपको छोड़ पहुँचा ना दिए। कोई केस बोला कि जिसको आप अपहरण का केस डाले या कुछ केस डाला, वो केस नहीं लिया। तो इस पर आप क्या मांग करना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि लड़के के ऊपर भी कार्रवाई हो, लड़की के ऊपर भी कार्रवाई हो? अच्छा अच्छा, दोनों के ऊपर में कार्रवाई है? लड़के के ऊपर भी कार्रवाई हो, लड़की के ऊपर भी कार्रवाई हो। अच्छा अच्छा, मतलब आपका जैसे जो वाइफ है जो उनके उनको कितना बाल बच्चा है? 2 लड़की है, 1 लड़का है। 2 लड़की 1 लड़का है, उसके बाद भी भाग गया जी। क्या नाम हुआ आपका? कैसे बोलिए? पिंकी देवी। बोल रहे हैं यहाँ से जो महिला गायब हुए हैं वो आपके कौन लगते थे? जेठानी। जेठानी जी। तो क्या मतलब कैसे कैसे क्या होता था, मतलब उसके विषय में आपको कुछ जानकारी है जी? हाँ बताइए। और दूसरा लड़का से बात करते? कौन लड़का से बात करता था? संदीप और उनके भाई, 2 भाई से। अच्छा अच्छा,
तो मतलब बातचीत करने के दरमियान में मतलब और घर आना जाना होता था क्या? जी। अच्छा अच्छा, यहीं पे खाना खाते थे, यहीं पे सोते थे। हाँ हाँ, नहीं यार हम लोग कोई बोलते थे तो वो उन्हीं के साथ देते थे। अच्छा अच्छा, क्या कर रहा है तुम लोग? वीडियो कोई नहीं करेगा, वीडियो करेगा, मोबाइल जेब में रखो। हमारी जेठानी बोलती थी कि मैं रख रही हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है? उसके विषय में वही वो लड़के के साथ चक्कर चल रहा था। अच्छा अच्छा, क्या लड़का, क्या नाम था? संदीप कुमार, और उसका दो भाई और है। अच्छा अच्छा, दोनों के साथ रोज मिलना जुलना था। भाई मेरा बाहर रहता था यहाँ पे, तो साल छः महीने बाद आता था। साल छः महीने बाद आने बाद तो वो आता ही जाता रहता था। अच्छा, भाई पूछा वो कौन है तो कहता ग्राहक है। मतलब हम लोग तो गरीब आदमी, तो हम लोग वो बिजनेस करते हैं, दारू बेचते थोड़ा। अच्छा अच्छा, जानते हैं ये कि घर में आते थे, पीता था, रहता था, उसका सजना भाई दिलीप यादव। अच्छा, यादव का सजना बेटा, बातचीत करता था। एक दो बार उससे लड़ाई भी की इस बारे में। अच्छा, बड़ा भाई को भी फोन किया तो बोल रहा है कि तुम्हारे घर वीडियो भी बना हुआ, वायरल भी वीडियो हुआ।